अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सारे वायरसेस से घिरे हुए हैं। ऐसे में उनसे लड़ने का एक ही हथियार है और वो है इम्यूनिटी। दोस्तों, अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक मेडिसिन से उस बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके बॉडी में कोई वायरस इंटर कर जाता है तो उसका कोई मेडिसिन नहीं है, उससे केवल आपका इम्यून सिस्टम ही नष्ट कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं डाइट प्लान की। ऐसा क्या खाएं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो? इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में वाइटमिन सी का एक बड़ा रोल होता है, इसलिए ऐसे फ्रूट्स जिसमें वाइटमिन सी मिलता है उसका डेली इस्तेमाल करें। नींबू वाइटमिन सी का एक अच्छा सोर्स है और ये हमारे लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है, तो आप डेली नींबू का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही ग्रीनी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए क्या खाएं से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या ना खाएं? अगर आपको सच में अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है तो जंक फूड यानी बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड ना खाएं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। दोस्तों, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में आपको कोई बहुत क्रिटिकल एक्सरसाइज नहीं करना है, केवल सिंपल डेली 30 मिनट तक वॉकिंग करें। 30 मिनट का वॉकिंग आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए सफिशियंट है। दोस्तों, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हमारे माइंड का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है और एक अच्छी नींद से हमारी माइंड रिलैक्स होती है, इसलिए डेली 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। वीडियो को एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी चीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं होता, चाहे वो एक्सरसाइज हो या कोई विटामिन और प्रोटीन, इसलिए किसी भी चीज़ का एक लिमिट में ही इस्तेमाल करें। धन्यवाद।